मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया का खास प्रोग्राम भोजपुरी दंगल। जी हाँ, भोजपुरी दंगल के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम ऐसी बड़ी खबर जो कि आपके सुपरस्टार और फिर फिल्म इंडस्ट्री के साथ तो जुड़ा हुआ ही होता है। साथ ही साथ हम आपको कई बार अपने पूर्वांचल बिहार यूपी के इतिहास से इतिहास के पन्नों को पलट कर कुछ खास जानकारी आप सभी को देते हैं, क्योंकि हर किसी को अपने अपनी माटी की अपनी जन्मभूमि की जानकारी रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में कई बार हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे रियल हीरो की कहानी, कुछ ऐसे लोगों की कहानी जो थोड़े आम व्यक्ति से हटकर होते हैं या फिर वो आम व्यक्ति की तरह नहीं बाकी अलग कुछ कर कर दिखाते हैं, और इस प्रोग्राम में हम आपको उन्हीं लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए आज की खबर की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो हमारी भोजपुरिया माटी से जुड़ी हुई है, भोजपुरिया लोगों से साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं कि बिहार का इतिहास काफ़ी पुराना है। बिहार का इतिहास इतना ज़्यादा है, इतना पुराना है कि उसके पन्ने पलटते पलटते जितने पन्ने आप पलटिएगा उतना ही कुछ नया आप सभी को देखने को मिलेगा, और ये बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल आप और बिहार की माटी में, बिहार के इतिहास में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे राज भी आज दफन हैं जिसे शायद अब तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन अब ये चीज़ें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, धीरे धीरे लोग उसे जान रहे हैं, धीरे धीरे उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें हमें नहीं मिली है लेकिन इतिहास के पन्नों में वो दाखिल है, उसे खोजने की कोशिश की जा रही है, और बहुत लोगों को इस चीज़ में कामयाबी भी मिली। खैर, ये तो था हमारे इतिहास में बात। अब इसको इसमें क्या कुछ नया होने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, अब जिस तरीके से बिहार का इतिहास है, जिस तरीके से बिहार के इतिहास की चीज़ें हमें मिली है, यहाँ खोज के निकाली गई है, उन चीज़ों को पर्यटक के तौर पर अब उसे एक अलग ही मान्यता दी जाएगी, उसे मानचित्र में दिखाया जाएगा। आखिर बिहार के इतिहास में क्या कहाँ पर क्या कुछ हुआ था, क्यों किस लिए बिहार खास है, ये सारी चीज़ें आपको भारत के मानचित्र में दिखाई जाएगी। चाहे वो बिहार पूर्वांचल के आप किसी भी मंदिर का बात कर लीजिए, किसी पुरानी जगह की बात कर लीजिए, या फिर कोई पुरानी विश्वविद्यालय, या कोई भी आपको ऐसा इतिहास जिससे हमारा इतिहास जुड़ा हो, कोई खास जानकारी जुड़ी हुई हो उसके बारे में बताया जाता है। और आज हम आपको वही उसी बात की जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार बिहार के इतिहास को किस तरीके से दर्शकों के सामने, लोगों के सामने दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार का इतिहास कई सदियों पुराना है, और कई सदियों से बिहार के इतिहास को लोग आज तक ढूंढते आ रहे हैं। हर बार बिहार का कुछ नया चीज हर किसी को हैरान कर देता है, और ये बात हर किसी को पता है, किसी को भी कोई भी लोग इस चीज से वंचित नहीं है। खैर, हम आपको आज जो बताने वाले हैं, जिसमें पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि वैशाली समेत राज्य के सभी धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों को विश्व स्तर के पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वैशाली, पटना, नालंदा, बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के स्थान को महान केंद्र है। उन्हें एक सर्किट से जोड़ देने से न केवल पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बिहार का भी काफी भला होगा। मंत्री गुरुवार को वैशाली में भगवान महावीर की जयंती पर आयोजित 74वें वैशाली महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौरव के अनुरूप मंगल अभिषेक पुरकालीन का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए पर्यटक विभाग ने 3,76,00,000 रुपए की स्वीकृति दी है। यहाँ पुरुकरिणी के बीचों बीच भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा स्थापित होगा। विशिष्ट अतिथि पद निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने वैशाली वासियों को सीएम का संदेश देते हुए कहा, वैशाली में बौद्ध संभायक संग्रहालय का निर्माण जल्द शुरू होगा। यह वैशाली में खुदाई से पर्याप्त भगवान बुद्ध और उनकी अस्थि कलश स्थापित किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से इसे पटना के म्यूजियम में रखा जाएगा। महोत्सव में सबसे पहले जैन समुदाय की महिलाओं ने भगवान महावीर के जन्म पर आधारित समूह गान प्रस्तुत किया, जिसके बाद चोटी के नृत्यगान नील जला की प्रस्तुति दी गई। और आज के समय पर देखा जाए तो सबसे बड़ी खबर ये है
कि बिहार के लोगों के लिए, जी हाँ बिहार के लोगों के लिए ये एक तरीके से खुशखबरी है कि अगर जो अब बिहार की जो भी इतिहास रहा है, बिहार के इतिहास का जो भी पन्ना रहा है, उससे अब सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश इंटरनेशनल लेवल तक हमारे बिहार के वो धार्मिक स्थानों के बारे में लोग जान पाएंगे जिसे शायद अभी तक कोई नहीं जानता या बहुत कम लोग जानते हैं। और इसी वजह से बिहार सरकार की तरफ से लिया गया ये फैसला एक खास महत्व रखता है, एक खास जानकारी रखता है और ये बहुत ही ज़रूरी बात है। वैसे देखा जाए तो बिहार सरकार की तरफ से लिया गया फैसला भले ही उन्होंने आज लिया हो, लेकिन अगर जो ये पहले लिया जाता फैसला, पहले अगर जो इतना गौर दिया जाता तो शायद आज बिहार का मानचित्र कुछ और ही होता, बिहार का चित्र कुछ और ही होता। लेकिन इन सब के बावजूद खैर देर आए दुरुस्त आए, वैसे ही अब बिहार की स्थिति पहले के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा बदल रही है, चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ रहा है। चाहे हम लोगों की बात कर लें, व्यापार की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें या फिर अब इतिहास की बात कर लें, हर किसी को पता है कि अब आगे बढ़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से सरकार की तरफ से ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं जो कि बिहार के इतिहास से लेकर अभी तक चल रहे जनता और जनार्दन के हाथों के समय बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। वैसे देखा जाए तो बिहार सरकार की तरफ से ये फैसला जो लिया गया है ये स्पेशली उन स्थानों के लिए लिया गया है जो इतिहास के पन्नों में एक अलग महत्व रखते हैं, एक अलग स्थान रखते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि बिहार के इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। जी हाँ, और ये बात आप सभी को पता ही है कि बिहार का इतिहास कई सदियों पुराना है और उसे आज के समय में हर किसी को जानना, हर किसी को उससे रूबरू करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था। अब इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि बिहार में पर्यटक स्थल तो बढ़ेंगे ही, उन्हें जब लोग जानेंगे तो उन्हें देखने आएंगे और पर्यटक का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और इससे बिहार सरकार को फ़ायदा होगा। जी हाँ, बिहार सरकार, बिहार की जनता, व्यापार के तौर पर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। और वो दिन जब दूर नहीं जब बड़े महाराष्ट्रों की तरह मुंबई दिल्ली की तरह बिहार को भी जाना जाएगा, फिर बिहार के जो जनता है वो अपने व्यापार के लिए, अपने काम के लिए उन्हें कई अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं बाहर उन्हें सफ़र नहीं करना पड़ेगा और वो बिहार में ही रहकर अपने बच्चों अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और उनका व्यापार बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा। और सरकार की तरफ से ये लिया गया फैसला काबिल तारीफ है नीतीश कुमार जिन्होंने अपनी जनता के बारे में इतना कुछ सोचा है। देखा आपने कि किस तरीके से बिहार के इतिहास को एक अलग मान्यता दी जा रही है और उसे मानचित्र में दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ये बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, साथ में बिहार पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी बात है कि अब बिहार को लोग जहां आकर देखते हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते वो अब बिहार के मानचित्र के भारत के मानचित्र के द्वारा उस बिहार के बारे में जानकारी मिलेगी उन्हें और शायद वो लोग फिर से आकर बिहार की जो इतिहास है, बिहार की जो चीज़ें हैं उसे आकर फिर से एक बार देखेंगे और अपने पुराने समय के दिनों को शायद ढूंढने की, याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, मैं कल आपके सामने फिर से लेकर आऊँगी भोजपुरी दंगल में एक अलग प्रोग्राम, एक अलग खास प्रोग्राम जो कि आपके बिहार पूर्वांचल के साथ तो जुड़ा ही होगा या फिर हम आपको कुछ नई इस रियल हीरो की कहानी बताएंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, तब तक आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट इस प्रोग्राम को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम बड़ी खबर के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट जो अपडेट होता है वो आप सभी तक पहुँच सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।